आपके पालक से दूर भाग रहे, खाना नहीं चाहते, तो ये आलू पालक की सब्जी एक बार खिलाइए, बच्चे खुशी खुशी खाएंगे और बार बार आपसे पालक खाने का डिमांड करेंगे। तो आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। तो देख सकते हैं हरे हरे पालक एकदम बेहतरीन है। तो पालक को काटने से पहले अच्छे से छांटते हैं ताकि इसमें कोई भी घास कुछ भी हो तो हम इसको निकाल लें। तो सबसे पहले हम ये चीज़ कर लेते हैं, छांट लेते हैं पालक को। इस तरीके से हमने सारे पालक को छांट लिए, तो इसे चलते हैं फटाफट धुलने, अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से सारे पालक को हमने कट कर लिया। दो आलू ले लेंगे और आलू को हम छील लेते हैं, क्योंकि पालक में आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो फटाफट हम छील लेंगे। आलू को हमने छील लिया है, तो इसे कट करके दिखाऊंगी। बहुत बारीक नहीं कटना है, इस तरीके से कट करके और इस तरीके से हम टुकड़े में काटेंगे। जिससे पालक और आलू को हमने कट कर लिए, एक मीडियम साइज के प्याज, दो तीन लहसुन की कली को बारीक काट लें, दो हरी मिर्च। तो चलते हैं फटाफट गैस पे। गैस पे रखेंगे सबसे पहले कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करते हैं। ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ले लेंगे यहाँ पे सरसों तेल। तो 3 से 4 चम्मच के करीब सरसों तेल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, जैसे धुआं आने लगे, तो 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच के करीब कम मेथी रहेगा। और ये तीनों चीज चटक जाए तो साबुत लाल मिर्च है, इसे भी हम डाल देंगे। ऐसे सारी चीजें चटक जाए तो ये जो हमने काट के रखा है इसे डाल देंगे। इतनी अच्छी किचन में खुशबू आने लगी, प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। एक बार पालक की सब्जी इस तरीके से बनाएंगे ना, तो बच्चे भी कहेंगे कि मम्मी मुझे भी पालक खाना है। और बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्दी तो होता ही होता है पालक। तो फटाफट हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। प्याज जैसे इस स्टेज पे हो जाए तो हम डाल देंगे आलू और अच्छे से चला लेते हैं। आलू के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमें बाद में भी डालना है, तो पहले आलू का अच्छा सा कलर आ जाए और आलू जल्दी से फ्राई हो जाए, तो थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिएगा। आलू को हमने भून लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है और आलू काफ़ी गल चुका है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे पालक। इस तरीके से हम पालक को इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छे से हम चला लेते हैं ऊपर नीचे। पालक बहुत जल्दी सिक जाता है, फ्लेम हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। इसके अंदर हमें कुछ भी मसाला कुछ भी नहीं डालना है, इसी से बहुत टेस्टी बनेगा। और बच्चों को खाना है तो मसाले भी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ सिंपल वाली पालक की सब्जी बनाएंगे, जो बच्चे भी खुशी खुशी खा लें। देखिए पालक कितने जल्दी गल जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि नमक डालेंगे। नमक हमने पहले से डाल रखा है, तो एक बार चेक करके थोड़ा सा नमक डालेंगे। पहले डाल देते तो पालक गलने के बाद कम होता, फिर ज़्यादा हो जाता नमक। तो इसलिए जब लास्ट में पालक गल जाए उसके बाद आप नमक डालिए। तो पालक हो गया है एकदम रेडी, देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। तो फटाफट गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं। जब भी आलू और पालक खाने का मन हो तो इस तरीके से जरूर सब्जी ट्राई करें, खुशी खुशी खाएंगे ये पालक आलू की सब्जी। बिना मसाले वाली आलू और पालक की सब्जी बहुत देखने में भी बेहतरीन और खाने में तो टेस्ट पूछना ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।